नमस्कार साथियों, हम सभी जानते हैं कि किस तरह कोरोना का कहर देश विदेश में छाया हुआ है। भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन भी घोषित किया जा चुका है, लेकिन कितने समय के अंदर हम सामान्य स्थिति पर वापस आ पाएंगे ये बताना तो शायद थोड़ा कठिन ही होगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस महामारी के प्रकोप से हम बाहर निकल पाए। लेकिन तब तक चिंता का विषय यह भी रहेगा कि आम जिंदगी के साथ साथ शिक्षा का माहौल भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित रहेगा। लेकिन शिक्षा शिक्षा एक देश की नींव होती है। इसके बगैर कोई भी देश प्रगति के बारे में सपना भी शायद नहीं देख सकता। इसलिए चीन, इटली, अमेरिका जैसे देश जहां सबसे ज्यादा कोरोना का असर पड़ा है, वहां पर भी शिक्षा ना रुके इसके लिए प्रशासन ने अनेक रणनीति अपनाई है। इसके तहत अब बहुत से ऐसे देशों में ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा ज्ञान का हस्तांतरण किया जा रहा है। ना सिर्फ विश्वविद्यालय बल्कि काफी सारे स्कूल्स, कॉलेजेस के विद्यार्थियों को इस प्रणाली में शामिल किया जा चुका है। भारत में भी काफी सारे निजी कंपनियों ने अपने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दे दिया है। इतना ही नहीं, काफी सारे निजी स्कूल्स अपने विद्यार्थियों और शिक्षकों को जुड़े रहने के लिए ई लर्निंग का सहारा ले रहे हैं। बाइजूस, वेदांतु, एक्स्ट्रा मार्क्स जैसे कई सारे ई लर्निंग कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म्स को अगले 2 महीनों के लिए फ्री में उपयोग करने की छूट तक दे दी है। और उनके अनुसार इनके प्लेटफॉर्म में करीब 400% से भी ज्यादा, जी हाँ, 400% से भी ज्यादा विद्यार्थियों का इजाफा हुआ है। इससे साफ मालूम पड़ता है कि विद्यार्थी पढ़ने को अभी भी उतने ही उत्सुक हैं। किंतु चिंता की बात यह भी है कि देश भर में काफी सारे सरकारी शालाओं के बच्चे ऐसी सहूलियत से या तो अनजान हैं या तो वंचित हैं। हम सभी विद्यार्थी जीवन से गुजरे हैं और उस दौरान काफी चुनौतियों का सामना भी हम लोगों ने मिलकर किया है। लेकिन आज हमारे सारी शालाओं विद्यार्थियों के सामने जो चुनौतियां हैं, वो शायद हम बचपन में सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि विद्यार्थी एक देश का भविष्य होते हैं और हम इस संकट के घड़ी में उनके एकलौते सहारे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और आप इस बात से भी सहमत होंगे कि हमारा दायित्व है कि हम इस संकट की घड़ी में उनका साथ चलें। याद रखिए कि जब भी बड़े से बड़े कठिनाइयां आती हैं तो टेक्नोलॉजी नाम का एक मित्र हमारे साथ रहा है और उसने काफी अच्छे से हमारी मदद भी की है। स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने हाल ही में कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए थे जिसको लेकर के प्रदेश भर में से शिक्षकों द्वारा सराहना की गई। यहां तक कि अमेरिका जैसे विदेश के शिक्षकों ने भी हमें काफी समर्थन दिया। एससीईआरटी के नेतृत्व में हमने हाल ही में कोरोना के कहर से पहले 12 शालाओं में एक पायलट स्टडी रिसर्च किया, जहां पर हमने करीब 1,500 बच्चों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की भी कोशिश की। इस पायलट की खास बात यह थी कि इस पायलट के दौरान हर एक विद्यार्थी को शिक्षक से लाइव क्लास के दौरान सीधा बातचीत करके अपने सवालों एवं शंकाओं का समाधान करने का अवसर मिला। हमारे ई टीचर्स, जिन्हें हम तकनीकी भाषा में वर्चुअल टीचर्स कहते हैं, इन्होंने भी बच्चों के गृह कार्यों को जांचा और हर उन 12 शालाओं में से एक टीचर कोऑर्डिनेटर जो उन शालाओं द्वारा चयनित किए गए थे, उनके सहायता के साथ और एनआईसी के टेक्निकल टीम मेंबर्स के साथ इन वर्चुअल टीचर्स तक पहुंचाया गया। इन सभी विद्यार्थियों को व्यक्तिगत फीडबैक प्रदान करने का भी प्रयास किया गया। इस पायलट के दौरान 50 घंटे के 7 विषयों पर लाइव क्लासेस ली गई। जितने भी वीडियोस बने थे, हमने उसे उठा करके यूट्यूब के एक डीईएल छत्तीसगढ़ नाम के चैनल में डाल दिया। पाठ से संबंधित हर एक लेसन, हर एक वीडियो जो इस पायलट स्टडी के दौरान किया गया था, ये सारे वीडियोस उस यूट्यूब चैनल पे अभी भी उपलब्ध हैं और अब तक यानी कि पिछले 2 महीने में इसे 16,000 बार देखा गया है और तकरीबन 540 घंटों तक का जो ये वीडियो था, बच्चों ने देखा और शिक्षकों ने भी इसे देखा है।
हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थी एवं शिक्षकों ने इस लाइव क्लासेस के नए प्रयोग का स्वागत किया। लेकिन यह सब इसीलिए मुमकिन था क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे शिक्षक जुड़े हुए थे जिन्होंने काफी मेहनत की थी इस पायलट स्टडी के दौरान। इन्होंने लाइव क्लास तो लिए ही, लेकिन साथ साथ हमारी वीडियो कंटेंट बनाने भी बहुत मदद की। विद्यार्थियों द्वारा भेजे गए होमवर्क यानी कि गृह कार्यों को जांचना और उन पर इंडिविजुअल कमेंट्स लिखकर भेजना, ये सब भी उन्होंने हमारे साथ बखूबी से अपना रोल निभाया। इनके सहयोग के बिना शायद ये पायलट नामुमकिन ही था। आप में से बहुत शिक्षक साथी एवं शाला प्रमुख समझ चुके होंगे कि हम आपसे ये सब क्यों साझा कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, वह घड़ी आ चुकी है जब हम मिलकर एक साथ राज्य के बच्चों के लिए कुछ करें। और कैसे हम एक दूसरे के सहयोग से विद्यार्थियों को घर से ही पढ़ने की ढेर सारी उपलब्धियां प्रदान कर सकते हैं ताकि उन्हें और ज्यादा से ज्यादा मजबूत और सक्षम बनाने में हमारी आप मदद कर सके। जय हिंद।